तो भविष्य इससे अलग वैष्णव और साधु में अंतर क्या है? बोलो भाई और चंदन वाली आपके घर में कोई साधु आ गया क्या करेंगे? उनको आदर जतन से बैठा करके खिलाएंगे पिलाएंगे सेवा साधु की सेवा की आपके खुश हो साधु खाए पिए चले भी वैष्णव किसको कहे जिन्होंने गुरु जी से मंत्र दीक्षा ली और उस घर में भगवान का पूजन पाठ पूजा पाठ कर चाहे वो गृहस्थी हो चाहे कोई भी पर जिन्होंने आश्रय लिया वो वैष्णव भगवान का पूजा पाठ करता है लक्ष्मी करता है इन वैष्णवों में भी तारतम्य दिखाए तारतम्य ये होता है कोई व्यक्ति श्रद्धा भक्ति पूर्वक भगवान की पूजा अर्चना परंतु दूसरों को इतना आदर दे नहीं पाता और एक व्यक्ति होता है प्रकृष्ण सबको आदर देता है सम्मान देता है किसको कैसे व्यवहार किया किसको कैसे सम्मान देता है इस तरह से व्यवहार ज्ञान होता है जैसे आप लोगों ने देखा होगा यहाँ हम लोग जो प्रसाद पाते आसन में बैठकर वहां सिरे से लेकर के इधर तक बैठे नहीं सकते अब कोई भी नया आदमी हो या बाहर का दूसरा आदमी हो तो हम लोगों के जो सीनियर ग्रुप बैठता है वहां पर कोई नहीं बैठ सकता सीनियर के लिए होता है ऐसे बाहर का भी कोई व्यक्ति आएगा कोई साधु वैष्णव हो यदि सीनियर वैष्णव हो तो उनको भी आदर से बैठाया जाएगा कोई नए लोग आकर के बैठ जाए तो उनको बैठने नहीं देंगे भाई आप बैठो लाइन में आओ पर उनके साथ खिचड़ी नहीं पूछे ऐसे थोड़ा सीनियर जूनियर का भी विचार देखेंगे जूनियर व्यक्ति सीनियर के बीच में बैठ गया ऐसे नहीं चले तो ऐसा तो व्यवहार कुशल यथाजत सम्मान व्यवहार इत्यादि को देख करके यथोचित आदर किया ये वैष्णव उचित व्यवहार बड़ा जो बड़े की तरह सम्मान आदर और जो सब लोग जैसे सम्मान वैसा मंत्र बहुत से लोग घरों में ठाकुर जी रखे हैं पूजा पाठ भी करते हैं परंतु साधुओं के प्रति कोई आदर सम्मान नहीं जानते ही नहीं कौन क्या तो ये क्या होता है सर उल्टा सीधा होता है
মানে ইগলুঙ্গু কেন গাইলে মানে জানে বলে উঠে মনুষ্য প্রাণিয়ো মে চার পেয়ের মানে প্রাণিয়ো মে উঠে জিনিস কুড় সমস নেই কুচ ভী ছোটা বড়া বিচার নেই পূজন করতেণী কাজ ভজন করতে দর্শন অনুভব হতা এক অনুভবী ব্যক্তি দূসরা ভজন করলে ভাগবত কে আগাই রাখে বড়ে বড়ে সবই লোক পড়লে বদ্রা কে মাতা হচ্ছে পুষি যায় তো বিদ্যুৎ কি পড়তি মহিলায় অনুভব